अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक और रेसिपी सिखा रही हूँ एंड वो रेसिपी का नाम है क्रीमी गार्लिक चिकन पेन्ने पास्ता। सो ये मैं रेसिपी बना रही हूँ, ये हर कोई अपनी डिफरेंट स्टाइल से बनाता है, मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ बिकॉज आई एम मेकिंग इट फॉर माई चिल्ड्रन। और एक बेटा, मैंने आपको पहले ही बोला था, ही इज़ वेरी पिकी, तो मैं उसके हिसाब से बना रही हूँ। बाकी जो है डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीकों से बनाते हैं, बट दिस इज हाउ आई मेक इट बिकॉज आई मेक इट स्पेशली फॉर हिम। सो लेट मी शो यू द इंग्रेडिएंट्स फॉर क्रीमी चिकन गार्लिक पेन्ने पास्ता। ओके, आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे इसके लिए वो है अबाउट 2 कप्स ऑफ पेन्ने पास्ता, इसको मैंने बॉयल करके रख दिया है। एंड देन आई एम टेकिंग अबाउट, दिस इज मोर देन 1 कप, आई डोंट नो हाउ मच आई एम गोना यूज, बट ये 1 कप से ज्यादा है। दिस इज चिकन ब्रॉथ, जो चिकन मैंने बॉयल की है उसकी ये यखनी है। सो चिकन जो मैंने ली थी वो ये है, इट वॉज अबाउट 1 चिकन ब्रेस्ट, 1 चिकन ब्रेस्ट लिया है, उसको बॉयल कर दिया है। और बॉयल करते वक्त मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ और सिर्फ मैंने उसमें सॉल्ट डाला था। तो वो चिकन को मैंने निकाल दिया, उसको इस तरह श्रेड कर दिया बॉयल्ड चिकन को, एंड दिस इज द चिकन ब्रॉथ, उसकी यखनी। वो हम जितना यूज होगा मैं आपको बताऊंगी। फॉर नाउ अभी मैंने इसमें लिया है अबाउट 3/4 कप ऑफ मिल्क, ये है वेजिटेबल सीजनिंग, ये मैंने इसलिए पैकेट से नहीं निकाली बिकॉज आपको पता चले मैं कौन सी यूज कर रही हूँ। आई एम गोना यूज दिस वन वेजिटेबल सीजनिंग। देन आई एम गोना यूज अबाउट 1/2 कप ऑफ श्रेडेड मोजरेला चीज, अ लिटिल बिट ऑफ पार्मेसान चीज, आई एम यूजिंग सम गार्लिक पाउडर, आई एम यूजिंग सम अनियन पाउडर, आई एम यूजिंग बटर, ये 2 टेबल स्पून बटर है। ये है ऑल पर्पज फ्लावर मैदा, दिस इज अबाउट 2 टेबल स्पून। और ये है अबाउट 1/2 टीस्पून ऑरेगानो है, और ये पार्सली है, दिस इज 1 टीस्पून। सो ये सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगी एंड लेट मी शो यू हाउ टू मेक इट। ओके, सबसे पहले मैंने अपना जो पैन है उसको प्री हीट कर दिया है, एंड देन इसमें आई एम गोना ऐड 2 टेबलस्पून्स ऑफ बटर। जब ये बटर मेल्ट होगा तो आइडियली इसमें जो गार्लिक है उसको आप चॉप करके डालें, अनियन चॉप करके डालें, तो इट टेस्ट रियली गुड। बट मैं डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ बिकॉज ऑफ माई सन, उसको कोई भी चीज़ जो है मुंह में आए वो नहीं चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ पास्ता और सॉस चाहिए होता है, तो इसलिए मैं कोई भी चीज़ डालने रही हूँ। तो आई एम जस्ट पुटिंग एवरीथिंग, आई एम पुटिंग ऑल दोज थिंग्स, बट आई एम पुटिंग दम इन द पाउडर फॉर्म ताकि उसको पता नहीं चले। सो वी कैन गेट द सेम फ्लेवर बट वी नॉट पुटिंग द एक्चुअल थिंग, वी जस्ट पुटिंग द पाउडर। लाइक वी गोना स्टार्ट विद, जैसे जैसे मेल्ट हो गया बटर, तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे द गार्लिक पाउडर दैट आई शोड यू, गार्लिक पाउडर। सो आई एम गोना पुट अबाउट 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून में डाल दे, डजंट मैटर, इट जस्ट इट्स गोना गिव यू अ नाइस फ्लेवर। हीट जो है हमारी वो इस वक्त मीडियम पर है, बटर जो है वो बहुत जल्दी बर्न हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, वो पूरा आपका खाना खराब हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप हीट को लो पे या मीडियम पे ही रखें। अब मैं इसमें अनियन पाउडर डाल रही हूँ, दिस इज ऑल्सो अबाउट 1/2 टीस्पून अनियन पाउडर। देन आई एम गोना पुट द वेजिटेबल सीजनिंग जो मैंने आपको बताई थी, ये वेजिटेबल फूड सीजनिंग है, ये भी मैं डालूंगी अबाउट 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून तक आप ये चीजें डाल दें, इट डजंट मैटर, जितना ज्यादा डालेंगे तो उतना अच्छा फ्लेवर आएगा, बट या 1 टीस्पून से ज्यादा नहीं डालेगा। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, मैदा डालेंगे, जो 2 टेबलस्पून मैदा था वो मैं इसमें डाल रही हूं। मैदा जो है उसको हम इस तरह थोड़ा सा
भूनेंगे। इसी मैदे से हमारा जो व्हाइट सॉस है पेने पास्ता का वो बनेगा। और थोड़ा सा भूनने के बाद इसको हम इसमें डाल देंगे हाफ या 3/4 कप मिल्क। ये मिल्क डालेंगे एंड देन वी हैव टू मेक श्योर कि इसके क्लम्प्स ना बने। तो ये मैदे को हम इस तरह स्टर करते जाएंगे और अगर कोई लम्प्स नजर आ रहे हैं तो उसको ब्रेक कर देंगे ताकि इसका टेक्सचर एक इवन हो और मुंह में वो गुठलियां ना आए। जैसे ये गर्म होता रहेगा तो ये मैदे की वजह से ये थोड़ा थिक हो जाएगा। ओके, इस वक्त हम हीट और लो कर देंगे बिकॉज ये बहुत जल्दी जल्दी होगा। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन ब्रॉथ। इस वक्त मैंने इसमें अबाउट 1 कप डाली है चिकन ब्रॉथ क्योंकि वी वांट टू मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि पास्ता ज्यादा हो जाए और सॉस कम लगे, या सॉस कम हो जाए पास्ता ज्यादा हो, तो वी वांट टू मेक श्योर कि सब चीजें इवन हो। अगर मुझे लगेगा कि मुझे इसमें चिकन ब्रॉथ और ऐड करना है तो मैं वो और ऐड कर दूंगी। इस वक्त मैंने इसमें सॉल्ट नहीं डाला है बिकॉज हमने सॉल्ट ऑलरेडी चिकन को उबालते वक्त डाल दिया था उसमें। तो हम जब फाइनल जब ये रेडी हो जाएगा उस वक्त सॉल्ट चेक करेंगे, अगर लगेगा कि सॉल्ट कम है तो इसमें और सॉल्ट डाल देंगे। अदरवाइज आई डोंट थिंक वी नीड एनी मोर सॉल्ट बिकॉज हमने जो सीजनिंग डाली है उसमें भी ऑलरेडी सॉल्ट है। सो एट दिस पॉइंट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप इस तरह इसके जो अगर लम्प्स नजर आ रहे हैं कोई उसको आप यूं तोड़ते रहें। साथ तो साथ थिक भी होता रहेगा एंड देन हमने थोड़ी सी इसकी आंच कम की है तो ये अब जल्दी जल्दी जलेगा नहीं और ना ही इतने ज़्यादा थिक होगा जल्दी से। तो आप इसको अपना टाइम लेके आराम से जो भी इसमें बने हैं ये गुठलियाँ ये तोड़ सकते हैं ताकि मुंह में ना आए ऐसी कोई गुठलियाँ। आई थिंक आई एम गोना ऐड अ लिटिल बिट ऑफ मोर यखनी इन दिस। सो मैंने पहले 1 कप डाली थी और अब मैं इसमें 1/2 कप और डाल रही हूँ। सो आई एम यूजिंग अबाउट 1.5 कप ऑफ चिकन ब्रॉथ। श्रेडेड चिकन इसमें आप डालना चाहें तो जिस वक्त बटर आपने सॉटे किया था उस वक्त बटर में आप डाल सकते हैं चिकन, लेकिन मैं अभी नहीं डाल रही हूँ चिकन। आई एम गोना पुट इट बिल्कुल लास्ट में बिकॉज मुझे जो है चिकन वाला अलग रखना है पास्ता और विदाउट चिकन का अलग रखना है बिकॉज मेरे बेटे को चिकन वगैरह कुछ बीच में मुंह में ना आए, उसको वैसा चाहिए सिर्फ क्रीमी सॉस और पास्ता। सो चिकन वाला जो है वो मैं अलग से एंड में चिकन डालूंगी और अपने बेटे के लिए पहले से निकाल दूंगी इसमें। इसी में हम अब अपना ये जो पार्सले है ये डालेंगे और ऑरेगनो था वो भी डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा क्रीमी सा एक व्हाइट सॉस तैयार हो गया। ओके, अब मैं इसमें जो हमारा पेने पास्ता था वो डाल देती हूँ। ओके, सो ये इसमें डल गया है एंड देन अब इसको हम मिला देते हैं। सो यू कैन सी कितना अच्छा क्रीमी सा एक सॉस बना है इसका। That's it, ये रेडी हो चुका है। ये जो श्रेडेड चिकन है ये मैं बाद में ऊपर से डालूंगी और वैसे जो है ये वाला पास्ता दिस इज लाइक रेडी फॉर माय सन, लाइक दिस इज हाउ ही वांट्स इट। ओह, आई फॉरगॉट द लास्ट थिंग, जो चीज थी। ओके, दिस चीज
मोज़रेला अबाउट हाफ कप, ये मोज़रेला चीज इसमें हम डाल देंगे। ये जैसे गरम तो ऑलरेडी है ही वो, तो इट्स गोना स्टार्ट मेल्टिंग। और साथ में जो हमने ये पार्मेजान चीज थी, ये भी थोड़ी सी मैं इसी में डाल दूंगी। एंड देन पार्मेजान चीज जो है दैट्स आल्सो सॉल्टी, सो यू हैव टू मेक श्योर कि सॉल्ट जरा इसमें आप एहतियात से डालें, वरना ऐसा ना बहुत ज्यादा सॉल्टी हो जाए खाना। तो दिस इज परफेक्ट, दिस इज हाउ ही वांट्स इट, दिस इज हाउ ही वांट्स इट, जस्ट द पास्ता एंड द सॉस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। लाइक आई टोल्ड यू, मैं अपने बेटे के लिए ये निकाल दूंगी एक प्लेट में जितना उसको चाहिए, एंड देन बाकी जो है मैं ऊपर से इसमें श्रेडेड चिकन स्प्रिंकल करूंगी। सो लेट मी डिश दिस आउट एंड आई विल शो इट टू यू हाउ इट लुक्स। ओके गाइस, एज यू कैन सी खाना रेडी है, द क्रीमी चिकन गार्लिक पेने पास्ता इज रेडी। दिस वन इज विदाउट द चिकन, इसमें मैंने चिकन नहीं डाली, जैसे आपको रेसिपी बताई थी ये वैसी थी। और ये जो है ये दूसरी प्लेट है वो माई अदर सन, इसमें मैंने चिकन जो श्रेडेड बताई थी आपको वो मिक्स कर दी थी। सो दिस वन इज फॉर द पिकी ईटर एंड दिस वन इज द रेगुलर वन विद चिकन इन इट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड आई होप यू लाइक माई रेसिपी एंड आई रियली वॉन्ट यू टू ट्राई इट। एंड मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर हाउ इट टर्न आउट फॉर यू, एंड एनी कॉमेंट्स please let me know. Until then, I'll see you soon. Bye. Allah Hafiz.